सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बाद में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक माँ और एक बेटे का चित्र है। माँ कह रही है, बेटा खुश, थोड़ा पढ़ाई करो। और बेटा जवाब दे रहा है, माँ बाद में, अभी मुझे खेलना है। तो बच्चों, बाद में कहानी से हमने जाना कि बेटा हमेशा, उसको यह आदत रहती है कि हर कार्य में वो हमेशा बोलेगा बाद में, मैं बाद में करूँगा। तो यह बाद में बोलने की आदत मुझे लगता है आप में से भी किसी को ज़रूर होगी, है ना? क्योंकि जब मम्मी आपसे बोलती है थोड़ा पढ़ाई करो बेटा, या थोड़ा कुछ खा लो, हाँ मम्मी बाद में, या पिताजी कहीं थोड़ा विद्यालय चलो, हाँ थोड़ा बाद में, यही बाद में आदत कुछ को किस परेशानी में डालती है, यही आज हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कहानी को पढ़ने से पहले हम इस कहानी में जो पात्र हैं, अर्थात कौन कौन है, माँ और उनका बेटा कुश, उनके बारे में जानते हैं, अर्थात उनके गुण, क्या क्या गुण थे, माँ कैसी थी और कुश कैसा था। माँ बहुत ही अच्छी थी। कैसी थी? बहुत ही अच्छी, और बहुत अच्छी सलाहकार थी। ठीक है, और बहुत अच्छी मददगार, हमेशा हर कार्य में मदद करती थी। ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत में कुश बहुत ही आलसी, खेल प्रिय, उसको फुटबॉल बहुत अच्छा लगता था और साथ में बहुत अच्छा विद्यार्थी भी था। अच्छा विद्यार्थी भी वह था। ठीक उसी प्रकार हम इस कहानी में आगे जाकर उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, और होमवर्क बाद में कर लूँगा माँ, अभी नहीं। माँ कुश के इस बाद में की आदत से बहुत परेशान थी। उन्होंने कई बार कुश को समझाया भी कि इस तरह से हर काम को टालना नहीं चाहिए, पर कुश को फिर भी बात समझ में नहीं आई। शाम को कुश खेल कर देर से लौटा, आते वह टीवी देखने बैठ गया। इस बार माँ ने जब जोर से डांटा, तब जाकर वह होमवर्क करने बैठा। कुश पढ़ाई में ठीक था, पर फुटबॉल में उसकी बहुत रुचि थी। माँ जानती हो, इस बार मैं स्कूल की टीम में ज़रूर चुना जाऊँगा। होमवर्क बहुत ज़्यादा था, पूरा करते करते बहुत रात हो गई। कुश बहुत थक गया, वह काम ख़त्म करके तुरंत सो गया। कुश कुश उठो, वरना आज भी बस छूट जाएगी। माँ थोड़ी देर सोने दो ना बस, और थोड़ा सोऊंगा, कुश बोला और फिर सो गया। जब उसकी आंख खुली बहुत देर हो चुकी थी। दोनों दौड़ते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे, पर बस तो जा चुकी थी। माँ और कुश घर लौट आए। शाम को उसके एक मित्र ने फोन किया। हेलो कुश, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? आज फुटबॉल की टीम चुनी गई, सर ने फुटबॉल टीम में मुझे भी रखा है। यह सुनते ही कुश परेशान हो गया। उसने सोचा, माँ ठीक ही कहती थी, मेरे बाद में बोलने की आदत से आज मेरा ही नुकसान हो गया, क्या करूँ अभी मैं। माँ को जब इस बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। वे कुश से बोली, अगर तुम मुझे वचन दो कि अब से बाद में नहीं बोलोगे, अपना सारा काम समय पर करोगे, तो कल जाकर मैं तुम्हारे खेल अध्यापक से बात करूंगी। ठीक है माँ,
मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और कभी आलसी नहीं बनूँगा और मेरा हर कार्य मैं समय पर करूँगा।